सारी बातों को। तो यहाँ पर अब हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़िया सा लॉजिन फेस है। यहाँ पर उनकी पॉलिसी हमने की है बिना कोई हमको पता इंडिया वाली पॉलिसी है बिल्कुल भी बेकार नहीं होगी। तो आप जैसे पॉलिसी करते तो ये क्यों नहीं कर सकते। तो हम रुकिए प्लीज गाइस, मैं यहाँ पर म्यूजिक ऑफ कर दूँ। ओके गाइस आई थिंक सो इतनी वॉल्यूम कम ठीक रहेगी। तो गाइस यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स आप देख सकते हैं वेरी लो लो एंड हाई एंड वेरी हाई, अल्ट्रा तक जाते हैं भाई साहब। अल्ट्रा में करेंगे हम, देखते हैं हमारा डिवाइस करता है सपोर्ट। ओके अल्ट्रा में करता है। ओके बैकग्राउंड म्यूजिक में इतना ठीक है, वो भी ज़्यादा हाई था। तो गाइस इतना आप देख सकते हैं ग्राफिक हमारा अल्ट्रा तक चला गया। इसको बंद ही कर देता हूँ गाइस। ओके आप देख सकते हैं भाई साहब अपनी म्यूजिक भी सुन लिया कैसा है। तो यही म्यूजिक है। तो गाइस यहाँ पर बात करें तो हमने अल्ट्रा पे कर दिया। आप ये देख सकते हैं लॉबी कितनी ओपी देखने को मिल रही है। एंड गाइस साथ में बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं सभी का सभी कुछ भाई। तो मैंने बंद कर दी थी। तो गाइस आप साथ में देखे तो भाई साहब यहाँ पर आपको अल्ट्रा देखने को मिल रहा है। और मैं कहाँ पर था भूल गया। आपके प्लस में आके क्लिक करते हैं, स्टोर में जाकर चेक कर सकते हैं यहाँ पर इनकी कॉइन्स वगैरह। यहाँ पर लिखा है भारत के वीर और 20% इनकी जाएगी अपने जो जितने भी अपने वीर होते हैं ही तो इंजर्ड होते हैं तो उनके हीलिंग में जाएंगे। एंड गाइस आपको वहाँ पर लोड आउट में वेपन्स देखने को मिलते हैं, करेक्टर देखने को मिलते हैं। एंड गाइस आपको बेसिक देखने को मिलते हैं मेली वेपन। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए, धीरे धीरे ये अपने कर देंगे। स्टोरी मोड कभी गजब है। आपको किसी स्टोरी में ऐसे देखने को मिल रहा है कि भाई साहब हिंदी में किया और टॉप उसको। अरे भाई हिंदी में है बिल्कुल, अकेला अकेला वर्ड समझ आएगा, रोंटे खड़े हो जाएंगे। ओके मेरी आईडी ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है। तो यहाँ पर भाई साहब मेरा भी ऑलरेडी अकाउंट चल चुका है, एक मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे अभी दूसरा चांस मिलेगा खेलने को। अगर मिलने को मिल सकता तो मैं यहाँ पर करूँगा। ओके गाइस एक स्टोरी मोर मैंने कंप्लीट कर दिया है। चलो मैं कोई बात नहीं उसको वहाँ से उठा लूँगा, अपनी स्ट्रीम से उठा लूँगा, आपको वहाँ से ड्रॉप करके बता दूँगा। लेट्स प्ले। तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं स्टोरी मोड, एक छोटा सी स्टोरी मोड है। ओके हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। 15 जून दोपहर ओके ओके आई बजे थिंक रीस्टार्ट हुई है। सॉरी हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कबीर बेस कैंप स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। ओके अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद हमारे ढिल्लो रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी भाईचारे और भारत के लिए फौजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रोंगटे खड़े कर देता भाई, हिंदी में कितना अच्छा डब किया है। तो देखते हैं कि सीजन रीस्टार्ट हुआ तो नहीं हुआ। आई डोंट थिंक सो। हाँ हो गया गाइस, हो गया। हम स्टार्टिंग से खेल रहे हैं तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके मोमेंट ऑफ ग्राफिक्स देखिए तो कति जहर वाले ग्राफिक्स हैं भाई साहब। ओके बिल्कुल जहर वाले ग्राफिक्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पहले बात बोल जाए, अब स्ट्रीम को छोड़िए, यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी। तो भाई बिल्कुल जहर वाले ग्राफिक्स। ओके सामने इधर बंदे आ गए भाई, मैं ग्राफिक्स देख रहा था थोड़ा देखने देते थे। लो भाई तू आ जा, भाई तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। ओ भाई साहब चल भाई चल चल।
तू नहीं बचेगा चिन्नी साले, चाइना का माल, मर गया ना साला एक गोली में। ओके ओके, जो आपका छोटा सा आइकन है आपको एनिमी के आपके पास लेके जाता है, जो आपके क्रोज अप मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारे एक आई थिंक रिवर बह रही है, तो उसकी साउंड आ रही है। हाँ जी हाँ, सही कहा मैंने। और इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफिक्स हमारे अल्ट्रा पे चल रहे हैं और कितने ज़्यादा बढ़िया। तो ओके जी, रिटर्न द न्यू फाइव प्लेस हीलियस स्टैंडमा। ओके गाइस, हमको इस आग के करीब जाना, हमारा आके चलते हैं, हेल्थ और स्टैंडमा इसके साथ पड़ेगा। ओके, यहाँ पर बटन दबाना हमने। ओके भाई, आप देख सकते हैं ऊपर हमारा जो ग्रीन बार है, हेल्थ बार, वो बढ़ रहा है। सो सही बात है, यहाँ पर हीलिंग के तौर में आपको क्या कहते हैं, बिल्कुल अब मेडिकेट वगैरह जैसे हमारे टीडीएम में होता है कि हमारी हीलिंग खुद ही बढ़ती रहती है, तो ऐसा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर हीलिंग हमारे फायर, आपको फायर प्लेस ऐसी ढूंढनी पड़ेगी, तब आपकी हीलिंग होगी। तो गाइस यहाँ पर आप चेकआउट करें तो देखिए बिल्कुल गजब भाई साहब, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एमओज वगैरह पड़े हैं इनके, चाइना के माल के, इसको तो उठाएंगे नहीं, पता नहीं कब धोखा दे जाए। तो देखिए ज़रूर हो भाई, क्या ही कहें, इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है भाई। तो यहाँ पर आपको मिली भी अपने देखने को मिल रहा है, तो उठाया हमने। आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं और आई थिंक सो लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर लगाने का ऑप्शन मिल चुका है, तो यहाँ से आप शिफ्ट करिए और लगाइए। तो यहाँ ऊपर जाते हैं, तो गाइस यहाँ पर पूरे गलांत पहन लिया, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही देखने को दिखते हैं वहाँ पर, जहाँ पर हमारे बहुत ही शहीद वीर बैठते हैं और निगरानी करते हैं। तो ओके गाइस, हमको इसका वेपन भी उठाने को मिल रहा है। तो आपने एक चीज़ देखी, तो हमारी वेपन की जो हेल्थ है ना, वो जैसे जैसे हम मारते हैं घटती है, आई मीन वेपन की भी हेल्थ होती है, बिल्कुल रियलिस्टिक होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वेपन चलता रहेगा पूरी गेम, आपको चेंज करना पड़ेगा जैसे जैसे उसका वेपन का ख़त्म हो रहा है हेल्थ। सो ओके, यहाँ पर हम इसको उठा लें, मज़ा आ जाएगा भाई, तेरा तो पत्ता काट देंगे तो उसको पता वता नहीं चलेगा। ओके, हमारा यहाँ पर ट्यूटोरियल पूरा हो चुका है। ओके, आप देख सकते हैं, तो एक थिंक सो एक मैंने किया कर लिया था ऑलरेडी, और सेकंड चलते हैं हमारा। तो गाइस देख सकते हैं, बिल्कुल ही मज़ेदार वाला है। तो सेकंड हमारा यहाँ पर शुरू हो जाता है भाई। चलो फटाफट से जाते हैं, चेकआउट करते हैं क्या होता है। जहाँ एक घुसपैठिया होता है वहाँ और भी होते हैं। ओके, इन्होंने कहा कि जहाँ एक घुसपैठिया, आई मीन जहाँ पर चाइना का माल होता है, वहाँ पर और भी होते हैं। अजय भाई तू अजय, तू अजय, अबे साले ज़्यादा बोलता है, तेरी भैंस की आँख, तू आ जा, तू आ जा भाई, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। लो भाई उसका भी पत्ता काट दिया, तू आ जा भाई, तू आ जा। ओ भाई मेरे पड़ी, तेरी भैंस की आँख, उठा लूँगा सभी को पूरा का पूरा, पीछे से मारता भाई। तू आ, तू तक गया, तू तक गया भाई, तुम तो क्या या भाई, याद कर ले अपनी आखिरी सांस और निकल ले, बन निकल पहली फुर्सत में निकल। सो ओके, जाके फटाफट हील करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे क्या हमारा मिशन बड़ा बहुत ही ज़रा इंटरेस्टिंग है, तो हीलिंग करते हैं फटाफट से और आगे चलते हैं। सो यहाँ पर हीलिंग हमारा ड्रोन कैमरा से हो देखने को मिलता है। सो गाइस बिल्कुल बढ़िया है, मज़ा आया था कभी चाह रहा। सो गाइस इनको यहाँ पर एक चीज़ देनी चाहिए कि जब आप हीलिंग कर रहे हो तो आप एक्चुअली अपने कैमरे को मूव कर सकते हो, फ्री कर सकते हो, ऐसे देनी चाहिए, फिक्स नहीं देनी चाहिए। ओके, किसी कोपरे को ढूंढ रहे हैं, इनके साथी को, मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा। ओके, और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। भाई सब देख रहे हैं ना हमारी वीर का जोश, तो हमने अपनी टीम ढूंढ लिया और इन बेहुदा लोगों को वापस भेजना है इनके जात के। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं। ओके, अकेले रह गए क्योंकि जो वहाँ पर हुई थी ना बर्फबारी, क्या कहते हैं, चट्टान गिरी थी, तो उसकी वजह से अकेले हो गए थे ये, अपने ग्रुप से बिछड़ गए, क्योंकि दो फौजी शहीद तो वहाँ पर हमारे शहीद हो चुके हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हैं भाई साहब 450 MB में कितना बढ़िया हमको देखने को मिलता है। बिल्कुल भी मैं वो नहीं हूँ, नाराज़ नहीं हूँ, सेटिस्फाई हूँ भाई, इंडिया के फर्स्ट गेम है, हर गेम से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पबजी का कंपेयर करे, तो पबजी से कंपेयर करना तो बनता नहीं, पबजी स्टोरी मोड नहीं था, सिंपल सर्वाइवल मोड और बेटर मोड में था, तो आप
कंपेयर करने कोई मतलब ही नहीं बनता इसको। तो हेटर्स तो करेंगे, मुझे पता है हेटर की क्या करेंगे, चाहत का हेटर का। तो गाइस यहाँ पर देखिए तो भाई ट्रक्स वगैरह के आप देख सकते हैं भाई साहब, इन्होंने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी, मैं जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है इस चीज़ की। तो यहाँ पर हीलिंग करते हैं फटाफट से। ओ भाई क्या ही कदम मज़ा, मैं आगे एपिसोड जानने की भाई पारा इस लूँ। आई थिंक हमारी ओके, गलती से मेरा टैब का बटन हटा। हीलिंग की जब आप हीलिंग आप देख सकते हैं कि आपका ये सर्कल घूमता है कर्सल। चलो हमारी हीलिंग हो चुकी है यहाँ पर, गुड जॉब। कनान वैली उसके ऊपर खड़े हो जाएं क्या होएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। यहाँ पर मेरे पहले मैम पढ़ चुकी थी मेरे, इस बार गाइस मैं थोड़ा बढ़िया खेल रहा हूँ। ओ भाई ओ भाई उसके साथ क्या कर? ओके उसका भी स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे हम। अबे रुक कर भाई, मैंने उसके मज़े लेने हैं। तो भाई तुम मैं तुम्हारे यहाँ पर मज़े ले रहा हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा। अब ओ भाई तू अकेला इतना दस क्यों है? ओके चेकआउट किए तो ओके निकल गया वो बंदा, तो जिसकी रिकॉर्डिंग तो पड़ी है। फटाफट से हील करते हैं फिर आगे चलते हैं हम। इस बार रिक्स नहीं लेंगे तो टाइम खराब होगा हमारा। ओके रिकवरी हो चुकी है तो भागते हैं भाई फिर से हमारे वहाँ पर। ओके पीछे था आई थिंक भाई कभी ज़्यादा मज़ा आया गेम खेल के। ओके एक्चुअली यहाँ पर कितने रह गए, तो आई थिंक मैंने गलती से सभी बुला लिए थे, तो यहाँ पर अब दो रह गए। ने मेरे आदमियों को कहाँ छिपा रखा है भाई? ओके एक यहाँ एक गया एक गया, इसको भी चलो आराम से अब ले लेंगे। ओके ओके ये भी गया, और नेक्स्ट देखते हैं हमारा अब कहाँ पर जाना। तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। लो भाई ड्रॉप किक, भाई साहब ड्रॉप किक आप देख रहे हो भाई, कभी ज्यादा मजा हो भाई। यहाँ पर है फायर। ओके यहाँ पर एक कैंप है, देखने को और क्या मिलता है कैंप में चेकअप करें तो। ओके यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, स्टेयर चढ़ता है बंदा, ये भी स्टेयर नहीं चढ़ता भाई साहब। हीलिंग चाहिए हीलिंग। ओके बॉर्डर आ चुका है, योर प्रोग्रेस हैज़ बीन सेव्ड, चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। ओके आई थिंक हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो गाइस यहीं इस बॉर्डर से हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। तो आपको दो चैप्टर हमने दिखा दिया अभी के लिए, तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग वीडियो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पे।